हेलो माय फैमिली, सेल्फ कॉन्फिडेंस की सीरीज में ये पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने ये सीखा था कि हम जो भी चीज़ें हम लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं और हमें लगता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का इशू है, उनको लिस्ट डाउन करना। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ जाके पार्ट वन पहले देखें, तभी आपको पार्ट टू समझ आएगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, तो पार्ट वन में हमने जाना था, हमने वो लिस्ट बनाई थी। अब आपने लिस्ट बना ली, कौन कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आप नहीं कर पाते हो। अब आज आपने हर एक लाइन, हर एक चीज़ के नेक्स्ट आपने लिखना है कि इसमें कॉन्फिडेंस का इशू नहीं है। मैंने आपको पहचानना बताया था पिछले वीडियो में, तो इसमें कॉन्फिडेंस का इशू नहीं है, इसमें लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, इसमें नॉलेज इम्प्रूव करने का स्कोप है, इसमें अपनी बात को रखने के स्ट्रक्चर सीखने का स्कोप है। तो आज आप उन सब स्किल्स को लिस्ट डाउन करोगे, या फिर उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ का भी हो सकता है कि जैसे मैंने अपनी एग्जांपल बताई थी पानी गिराने वाली, तो अगर आपकी फिजिकली स्ट्रेंथ उतनी नहीं है कि आप चीज़ें कर नहीं पाते हो, कोई चीज़ें कर नहीं पाते हो सकते हैं कि जो जॉब आप अप्लाई करना चाहते हो, जो काम आप करना चाहते हो, उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो। और ये भी हो सकता है कि उसमें आपकी लुक, कहीं ना कहीं लुक की वजह से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और अगर आपको लुक की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो सेल्फ लव की सीरीज़ मैंने बहुत डिटेल में बनाई है, उसको जाकर चेक कीजिए। वो एक फुल फ्लेज्ड सेल्फ लव का कोर्स है। और फिर भी नहीं कर पा रहे हो सेल्फ लव का, तो सेल्फ लव का एक मैं बूट कैंप शुरू कर रही हूँ, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरी टीम को मैसेज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, पिन कमेंट में भी नंबर दिया हुआ है। ओके, तो आपने वो सारी चीज़ें लिस्ट डाउन कर ली कि अगर ये ख़राब है तो उसके लिए इस चीज़ का स्कोप है, ये ख़राब है तो इसका मतलब ये चीज़ मुझे सीखनी चाहिए। हर चीज़ को सेल्फ कॉन्फिडेंस के अम्ब्रेला के नीचे नहीं करना है। अब जब आपको आइसोलेशन हो गया चीज़ों का कि अच्छा ये प्रॉब्लम इसकी वजह थी, ये प्रॉब्लम इसकी वजह से है, तो आप फिर प्रायोरिटी सेट करें कि इनमें से कौन सी स्किल आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सी स्किल आपको पहले सीखनी है। ठीक है, तो अब आपने उनको प्रायोरिटाइज कर दिया। और जैसे मान लीजिए लैंग्वेज, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश वीक है तो आप इंग्लिश सीखने के लिए जा सकते हो। अगर आपको कोई और लैंग्वेज है, अगर आपको लगता है कि फूड इंडस्ट्री की आपको नॉलेज नहीं है, तो फूड इंडस्ट्री के बारे में मैगजीन, व्लॉग्स, वीडियोज, बहुत कुछ आता है, वो पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। अगर आपको लगता है कि लुक इन्हेंस करने के लिए कुछ चीज़ें मिसिंग है, सेल्फ लव की वीडियोस की सीरीज में से सीख कर लुक के लिए चीज़ें कर सकते हो, या अपनी इनर और आउटर ब्यूटी के लिए चीज़ें कर सकते हो। ओके, अब प्रायोरिटीज़ जब हमने सेट करनी है, प्रायोरिटीज़ आपने सेट कर ली, क्योंकि एक टाइम पे आप सोचोगे एक ही चीज़ करनी है मुझे। जब आप अपनी प्रायोरिटी सेट करते हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने बैक सीट लेना होगा उस समय तक जब तक आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर काम कर रहे हो, है ना। तो जब आप अब आपको यहाँ पर एक चीज़ सीखनी है, वो ये कि बी ट्रांसपेरेंट। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो बी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट। कोई भी अपनी माँ के पेट से चीज़ें नहीं सीख कर आता है, सबकी एक लर्निंग कर्व होती है, वो धीरे धीरे चीज़ें सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखते हैं। जो चीज़ें आपको आज पता हैं वो तब नहीं पता थी जब आप 6 महीने के या 1 साल के बच्चे थे। जो आपको आज से 10 साल बाद पता चलेंगे वो आज नहीं पता है। तो इट्स ओके, जस्ट बी ओपन, बी क्लियर कि हाँ नहीं पता है मुझे। एक बार की बात है कि मेरे फ्रेंड थे, तो ऐसे ही हम लोग 3-4 लोग सोचे कि चलो बाहर चलते हैं, खाना खाने चलते हैं। और हम लोग गए मैकडी, तो शायद वो पहली बार मैकडी आए थे, उस समय पे बहुत पुरानी बात है। तो हम सब एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या खाएंगे, और सबने बताया, और उन्होंने बोला पिज़्ज़ा खाएंगे। अब मैकडी में पिज़्ज़ा नहीं मिलता है, राइट, लेकिन इट्स ओके। अब वहाँ पर एक तो होता है बंच ऑफ फ्रेंड्स जो एक दूसरे का मजाक बनाते हैं कि अरे इसको इतना भी नहीं पता। लेकिन मैं ये कहती हूँ, अगर आपको कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस का इशू है या हुआ है पहले, तो प्लीज़ कंपैशन रखें दूसरों के लिए भी।
उनको हीन फील नहीं कराएं, इट्स ओके, वो तो अच्छी बात है ना। आज लोग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं कि वो जो बाहर का फूड है उसको अवॉइड कैसे कर लें, हेल्दी फूड कैसे खाएं, हेल्दी फूड रिप्लेसमेंट कैसे करें। वो घर का खाना इसका मतलब ज्यादा खा रहे थे, उन्होंने बाहर खाना नहीं खाया होगा, तो अच्छी बात है ना। वो लाइफस्टाइल अच्छा है जिसको अचीव करने के लिए हम लोग बहुत एफर्ट करते हैं। तो अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन हुई है कि जो आपने कुछ और बोल दिया और फिर उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस टूटा कि कभी फूड ऑर्डर करें, किसी के साथ जाएं तो हिम्मत ही नहीं हुई कि कुछ डिश बता दें, क्योंकि ऐसा लगा कि पहले की तरह दोबारा सिचुएशन ना हो जाए, इट्स ओके। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे स्पेशली जब मैं भारत में रहती थी, मैंने हार्डली कभी अगर मेरी मजबूरी हुई होगी तो मैंने नॉर्थ इंडियन फूड जैसे ये सब्जियां वगैरह होती हैं, पनीर की या ये सब चीज़ें सब्जियां होती हैं, कभी ऑर्डर की होंगी। लेकिन मैं तब हमेशा साउथ इंडियन फूड खाती थी इंडिया में भी, या फिर ये जो मैकडी और पिज़्ज़ा वगैरह ये सब खाती थी। तो मुझे जो इतनी सारी पनीर की वैरायटीज होती है ना इंडिया में, शाही पनीर फलाना और कोई पता नहीं कौन सी बुखारी और ऐसे ऐसे सब्जियां होती है ना, मुझे उनका नहीं पता, हालांकि वो इंडियन ही सब्जियां हैं। इस बार मैं गई थी तो मेरे लिए काफ़ी चीज़ें नई थी, और पहले भी मैं जब जाती हूँ यहाँ से मेरे लिए काफ़ी चीज़ें नई होती हैं। तो उस समय भी क्लियरली बोल दो ना कि भाई मुझे तो पता नहीं, अब जैसे कोरमा ये सब चीज़ें हुआ करती थी, मुझे किसी समय पर नहीं पता था ये हमारे घर में कौन कोरमा बनाता था। तो उस समय पे पूछ लो ना, जो आपके साथ गए उनसे पूछ लो, अगर वो पहले आए हुए हैं उस जगह पे तो उन्हें बता दो कि भाई आपको पता है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी मिलती है, या फिर पूछ लो कि इस रेसिपी में क्या होता है। जस्ट बी वल्नरेबल, शो योर वीकनेस एज वेल, इट्स ओके। लेकिन सबसे पहले उसमें बात यही होती है कि एक्सेप्ट योर सेल्फ। जब आप खुद को उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो दूसरे भी नहीं। अगर आप ऐसे डर के उल्ट पुल्ट फूड ऑर्डर कर दिया, एक मुझे बड़ा फनी सा इंसिडेंट याद आ रहा है, मिस्टर बीन की मूवी अगर आपने किसी ने देखी है तो, मिस्टर बीन की काफ़ी मूवीज़ हैं, उनमें से एक सीन एक मूवी में ऐसा है कि मिस्टर बीन किसी के साथ ऐसे खाना ऑर्डर करते हैं और उनको कोई आइडिया नहीं होता, उस किसी शायद फॉरेन कंट्री की ट्रिप में होते हैं वो, तो उनको कोई आइडिया नहीं होता उस डिश में क्या होता है, और उसमें वो फूड आ जाता है, वो ऐसे नाम सा पढ़ के बस फूड ऑर्डर कर देते हैं जस्ट टू शो ऑफ के हाँ उनको भी यहाँ पर मेन्यू पे कुछ पिक करना आता था। तो फूड ऑर्डर कर दिया और वो पता नहीं केकड़े और पता नहीं कौन से जानवर से आ जाते हैं और उनको ऐसे लाइक ही कैन नॉट ईट इट, ही कैन नॉट सी इट, और फिर कुछ कुछ वो करते हैं उस फूड को डिसअपियर करने के लिए, क्योंकि उनको फिर ये भी शो ऑफ करना है ना कि मैं तो बहुत यमी बहुत टेस्टी रेसिपी मैंने बिल्कुल अपने होशो हवास में ऑर्डर की। तो क्यों करना है, इतना भार क्यों लेना है। ये जो इंसिडेंट्स होते हैं ये हमें आज भी इफेक्ट करते हैं, कल भी इफेक्ट करते हैं, चाहे फूड की बात ना हो कल को किसी और चीज़ में इफेक्ट करेंगे। हाउ यू फील टुडे इन दैट इंसिडेंट इन दैट सिचुएशन, द सेम थिंग स्टिक्स विद यू एंड इफेक्ट्स यू इन द लॉन्ग रन। तो सॉरी, तो हमें जो भी हमारी वीकनेस है, जो भी हमारी वीकनेस है उसके बारे में खुल के सिंपली बात करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको नॉलेज नहीं है। और अगर आपको लगता है कि उस इंडस्ट्री में आपका करियर है या उस आपको ज़्यादा उठना बैठना पड़ता है बाहर लोगों के साथ, तो थोड़ा फिगर आउट कर लो। गूगल फोटो, आजकल तो फ़ोन हर किसी के पास होता है, उस दिन किसी से पूछ के ऑर्डर कर दो, उसके बाद मेन्यू की निकालो फोटो और गूगल कर लो उन रेसिपीज़ को, उन रेसिपीज़ में क्या होता है। और या फिर जिस रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं पहले ही पूछ लो कौन से रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं, उसका मेन्यू ऑनलाइन चेक कर लो। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से जो भी करो प्रेशर लेकर मत करो कि दूसरा बंदा आपको जज करेगा। कौन अवार्ड लेकर बैठा है जो आपको देगा और जो आपके हाथ से मिस हो जाएगा अगर आप गलत ऑर्डर कर दोगे या फिर आप ये बोल दोगे कि आपको कम पता है, है ना। तो अभी रिसेंटली मुझे याद है 4-5 महीने पहले मेरे एक फ्रेंड हैं, कभी हम कलीग थे तो हम मिले किसी प्रोजेक्ट मीटिंग के सिलसिले में, तो उन्होंने बोला कि मुझे थाई काफ़ी पसंद है लेकिन थाई में मैंने बहुत कम ही ऑप्शंस ट्राई किए हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि आप, क्योंकि उनको पता मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने उन्हें बोला एज लॉन्ग एज रेस्टोरेंट इज वेजिटेरियन आई एम हैप्पी टू ज्वाइन। तो हम दोनों ही थे तो उन्होंने पिक कर लिया
और उन्होंने मुझे बताया और मैं वहाँ चली गई। अब उनके साथ मेरा रिश्ता काफ़ी सफिस्टिकेटेड है, मतलब ऐसा है कि जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी फॉर्मेलिटी वाला भी है कहीं ना कहीं। तो मैंने उन्हें बोला कि जब फूड देखने लगे, मैंने उन्हें बोला कि देखो मुझे फूड में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप तो मुझे अच्छे से जानते हो इस चीज़ में, क्योंकि हम फूड कैचअप बहुत किया है हमने पहले जब हम कलीग थे, तो उनको भी फूड खाना नया नया ट्राई करना अच्छा लगता है और मुझे भी, तो हम साथ में काम करते थे, हम बहुत बार लंच पे जाते थे। तो मैंने उन्हें बोला कि आपको मेरी फूड प्रेफरेंस पता है तो प्लीज़ आप ही मुझे सजेस्ट करो, मुझे तो ना नाम समझ में आ रहे हैं और ना मुझे उनके इंग्रेडिएंट। अब कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं उन्होंने नीचे फूड के इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं और कुछ ने नहीं लिखे होते, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने ओपनली बोल दिया। अब मैं क्योंकि वो मेरे कॉलीग थे और कॉलीग के साथ हमारी जो कॉम्पिटिशन होता है सबसे ज़्यादा होता है, तो मैं साफ साफ बोल लाइक मैं ऐसे शो ऑफ कर सकती थी ना, स्पेशली बींग अ गर्ल, मतलब ऐसे थोड़ा शो ऑफ कर सकती थी कि जैसे मुझे तो सब पता है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा, फिर शायद खा भी ना पाती जो ऑर्डर करती। तो जस्ट शो योर वल्नरेबल साइड, इट्स ओके। और फिर भी कुछ समझ में ना आए तो जो रेस्टोरेंट के पीपल होते हैं उनको बुलाइए और उनसे पूछिए कि मैं वेजिटेरियन हूँ या जो भी आपकी खाने की प्रेफरेंस है उसमें आपका सबसे बेस्ट क्या है, आपका स्पेशल क्या है, और फिर जब वो बताएं तो उनसे पूछ सकते हैं कि वो क्या होता है, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं। और मान लीजिए फिर भी आपको समझ ना आए तो बिल्कुल शर्म ना करें किसी के सामने कहने की कि चलो पहले कभी ट्राई तो नहीं किया, मुझे कुछ ज़्यादा समझ तो नहीं आया, लेट्स ट्राई इट। जस्ट बी ओपन। और वही बस खुद को जब परमिशन देते हो तो परमिशन अपने आप दूसरे आपको देते हैं कि अगर कुछ गलत बोल दिया या फिर नहीं बोल पाए, इट्स ओके। उसके बाद हमने बात की थी कि अगर आप कोई आंसर देना चाह रहे थे, नॉलेज की बात की थी, लैक ऑफ नॉलेज की, है ना, तो आप अगर किसी सब्जेक्ट की आपको नॉलेज कम है तो उसकी नॉलेज बढ़ाइए। नॉलेज बढ़ाने का भी जर्नी होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही दिन में आपको उस टॉपिक की सारी नॉलेज आ जाएगी, है ना। तो जब आप नॉलेज बढ़ा रहे हो तो अपना जो लेवल है वो बताते रहो कि अगर कोई किसी बात का आंसर नहीं आता तो एक्नॉलेज करो, जस्ट चुप्पी मत ऐसे चुप मत हो, सील मत करो लिप्स को, आप उठकर बताओ कि ये टॉपिक मुझे सुना सुना लग रहा है लेकिन मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो मुझे ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में पता नहीं, अगर उसके आसपास कुछ भी पता है चाहे गलत ही पता है, जस्ट से दैट और बोल दो कि मुझे ये लग रहा है लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये सही आंसर है या नहीं, बट दिस इज़ वट आई थिंक। जस्ट बी ओपन, कोई तलवार लेकर नहीं खड़ा है आपके ऊपर दागने के लिए, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे बोल देंगे कि उसको नहीं आता तो आपने ऑलरेडी बोल दिया ना कि आप सीखने के रास्ते पे ऑलरेडी चल चुके हो, आप प्रोसेस में हो, वो पढ़ रहे हो, वो लर्न कर रहे हो, है ना। और फिर एक हमने एग्जांपल कर ली थी कि अगर आपके बॉस आपको बैकफिल करते हैं, बॉस बोलते हैं, तो अगर आपको उस समय पे बुरा लगा या फिर शायद आप अपनी स्पीड की वजह से अभी बोलने वाले थे लेकिन अभी आपने नहीं बोला था और बॉस ने पहले ही बोल दिया, तो आप अपने बॉस से आकर बात कर सकते हैं। जस्ट बी ओपन, बी पोलाइट एंड बी फॉरगिविंग। अपने बॉस को सबसे पहले अपने मन में ऐसा मत लाइए कि वो आपकी पोजीशन को काटना चाहते हैं, पोजीशन को ओवरलैप करना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने पहले बोला, उन्होंने जो भी किया अपनी पोजीशन में जो उनको सही लगा एज अ मैनेजर वो उन्होंने किया, या एज अ टीम लीडर उन्होंने जो किया वो उनका उस समय का जो उनको समझ में आया उन्होंने कर दिया। आकर उनको फीडबैक दीजिए, बड़े प्रेम से फीडबैक दीजिए बिना डर के। ये जो डर हम हमेशा अपने ऊपर लेकर चलते हैं ना कि मेरी नौकरी छूट जाएगी, मेरी नौकरी पे कोई मेरा गलत सोच लेगा, मेरा गलत फीडबैक चला जाएगा, ये ना बर्डन अपने ऊपर लेकर मत घुमा करो, क्योंकि अगर ये सब सोच के आप कुछ नहीं भी कर रहे हो ना, आपके अंदर चल रहा है तो वो मैनिफेस्ट तो होना ही है। तो इस वजह से आपको बिल्कुल लाइट हार्टेड और बिल्कुल फॉरगिवनेस से, ऐसा नहीं सोच के जाना कि उन्होंने बुरा किया या जो भी किया, तो आप उनको जाकर बता सकते हैं कि बॉस मुझे ऐसा लगता है, या बॉस या जो भी आप उनको बुलाते हैं, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी और मैं वहाँ बोलना चाह रहा था, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो आई एम हैप्पी टू आंसर, लेकिन क्योंकि मैं अभी उस लैंग्वेज में इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, देन यू कैन ट्रांसलेट। वर्क एज अ टीम, मेक योर टीम, है ना, जो आपकी
वीकनेस है, बॉस को हो सकता है टेक्निकल ना आता हो, आपको लैंग्वेज नहीं आती, आप टेक्निकल बताओ और वो लैंग्वेज बताएंगे, लैंग्वेज में कन्वर्ट ट्रांसलेट करेंगे एंड देन हमारा काम हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, क्लाइंट्स जो होते हैं ना, दे लाइक टीम वर्क। जब वो ये देखते हैं ना कि ये सब लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक बंदे के शाइन होने से। वो चाहे आपका बॉस हो, चाहे आप खुद हो, जब हम ऐसे सोचते हैं ना कि मैं शाइन हूं, उससे ज्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं टीम वर्क। तो बिल्कुल एक्सेप्ट करना और क्लियरली बोलना, ये दो ही चाबियां हैं यहां पर, ये पूरी एग्जाम्पल्स में दो ही चाबियां हैं। एक्सेप्ट करो जो भी चीज है, और क्योंकि जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तो उसके आगे के रास्ते आपको दिखेंगे इम्प्रूव करने के, और ना ही आप खुल के बोल पाओगे। और दूसरा, जस्ट बी ओपन, ओके। अगर क्रिटिसिज्म भी आता है, आप बोलते हो कि आपकी बात सुन के हमने ऐसा बोलना शुरू कर दिया और सामने वाला बंदा हमारे बारे में गलत बोल रहा है, जस्ट बी फॉरगिविंग, बैक टू द बेसिक रूल, बी फॉरगिविंग। वो आज बोलेंगे, कल बोलेंगे, लेकिन वही लोग आपको आपकी ट्रांसपेरेंसी के लिए, आपकी ओपननेस के लिए अप्रिशिएट करेंगे। तो इस वीडियो को बार बार देखें, इसमें जो आपको समझ में आया उसके नोट्स लें और उनको रोजमर्रा की लाइफ में प्रैक्टिस करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट सून।